नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, SSA रिक्रूटमेंट 2023, SSA दिल्ली समग्र शिक्षा अभियान, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली रिक्रूटमेंट 2023 से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आ गई है। नया नोटिस जारी कर दिया गया है, बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया जाएगा। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, अगर आप खुद से ये नोटिस चेक करना चाहते हैं तो आपको ये नोटिस एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। समग्र शिक्षा अभियान दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट edudel.nic.in में पब्लिक सर्कुलर के सेक्शन पे देखने को मिल जाएगा। ये है दोस्तों नोटिस, आज अभी अभी जारी किया गया है 15/12/2023 को। दोस्तों, जो रिक्रूटमेंट आई थी दिल्ली में कॉन्ट्रैक्टल बेसिस की आया अटेंडेंट और हेल्पर की, तो उनका आज रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। सेशन 2023-24 के लिए ये रिक्रूटमेंट आई थी, तो ये रिजल्ट आ गया है। अगर आपने आवेदन किया था तो आप ये चेक कर लीजिए, फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर एंगेजमेंट एज आया अटेंडेंट एंड हेल्पर, तो ये पूरी लिस्ट आ गई है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा और जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने अभी आपको दिखाई थी वहां पब्लिक सर्कुलर के सेक्शन पे भी सबसे ऊपर ये देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यही अपडेट आप तक पहुंचानी थी, क्योंकि जिस दिन रिक्रूटमेंट आई उस दिन भी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी। आवेदन करने की अंतिम तिथि के नजदीक भी आपको एक रिमाइंडर कॉल दी गई थी कि आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक आ गई है, तो आज फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है, तो आज भी आपको जानकारी प्रोवाइड करा दी गई है। तो ठीक है दोस्तों, यही अपडेट आप तक पहुंचानी थी वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।